राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में देश में विकास तीव्र गति से हुआ है। केंद्र सरकार ने शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन देश भर में शिक्षा की अलख जगा रहा है और स्थानीय स्तर पर यह स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। आभार प्रकट करना चाहता हूं विश्व के सर्वप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर में से पूरे देश के लिए अरबों रुपए की स्कीमों को लॉन्च किया और हिमाचल प्रदेश का भी स्वागत रहा कि हिमाचल प्रदेश के दो केंद्रीय विद्यालयों का एक ऊना के सलोन में और दूसरा नदौन में जिसका विधिवत रूप से उन्होंने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और मेरा भी सौभाग्य रहा कि मुझे भी ऊना के सलो इस विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में रहने का मौका मिला जहां मैं अपनी ओर से पूरे स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रधानाचार्य की ओर से हिमाचल वासियों की ओर से माननीय मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं और स्कूल प्रबंधन को जहां सलो की भी और नदौन के स्कूल प्रबंधन को भी इन दोनों बिल्डिंग के लिए बधाई देना चाहता हूँ।